आज मसाला किचन में बन रहा है मैसूर डोसा एक खास तरीके की चटनी के साथ। साउथ का बहुत ज़्यादा फेमस डोसा इडली सभी को बेहद पसंद आता है। एक्चुअल साउथ का सारा खाना ही बहुत ही लाजवाब होता है। उसमें सबसे अच्छा अगर आपको खाना है डोसा तो हम चूज़ करते हैं मैसूर डोसा, जो खास तरीके की चटनी के साथ बनाया जाता है। इसके साथ कोई सांभर नहीं, कोई चटनी नहीं, फिर भी बड़ा अमेजिंग सा लगता है। आज बनाएंगे मैसूर डोसा। अगर आप घर बैठे बाहर की टेस्टी रेसिपी खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें ताकि मेरे नए वीडियो का मैसेज आप तक आ सके। ये रेड कलर का इतना क्रिस्पी टेस्टी बनता है, इसे देखते ही खाने का मन कर जाता है। आज वही डोसा हम घर में बनाएंगे। इस डोसे की चटनी की वजह से ये बहुत ही रेड कलर का हो जाता है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं मैसूर डोसे के लिए डोसे का बैटर। यहाँ मैंने 4 कटोरी नॉर्मल चावल, 1 कटोरी उड़द की दाल, 1/4 कटोरी चना दाल और 1 चम्मच मेथी दाना, इन सब को मैंने भिगो के रख दिया था। करीब 4 घंटे भिगो दिया था। अब हम इसे पीस लेते हैं। पीसते टाइम थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी, इसका फाइन पेस्ट कर लेते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए। बहुत ही अमेजिंग, बिल्कुल प्लेन पिस गया है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो चलिए अब इस डोसे के मिश्रण को हम रख देते हैं फर्मेंट होने के लिए। कल मॉर्निंग में हम इसके डोसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे उसकी रेड कलर की चटनी। यहाँ मैंने एक पैन रख दिया है, उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है, थोड़ी सी करी लीव्स, 1/2 चम्मच राई। आज मैं इसे बना रही हूँ लहसुन और प्याज के साथ, तो 7 से 8 कली मैंने लहसुन डाल दी है। आप चाहें तो अगर नहीं खाते हैं तो बिना लहसुन प्याज के भी बना सकते हैं। ये मैंने प्याज लिया है स्प्रिंग अनियन का ऊपर वाला पार्ट, जो सफ़ेद वाला होता है, आप कोई भी प्याज ले सकते हैं। मेरे घर में पर्सनली मैसूर डोसा बहुत पसंद किया जाता है। आपको साउथ की रेसिपी में कौन सी सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ लिया मैंने 2 टेबल स्पून फुटना, जिसे भुने चने होते हैं, वही फुटना टाइप होते हैं दाल, भुनी दाल। अगर ये ना हो तो चना दाल भिगा कर उसे भी ले सकते हैं। इन सबको हमें धीरे धीरे पकाना है। यहाँ लिए 4 सूखी साबुत लाल मिर्च, 2 कश्मीरी लाल मिर्च। अगर कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो आप बाद में कश्मीरी पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ लिया मैंने थोड़े से इमली, इमली सीडलेस है इसलिए मैंने डाल दिया है। इमली का पल्प हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, वो बाद में यूज़ करें। इन सब को हम पका लेते हैं। यहाँ लिया है 1 टेबल स्पून डेसिक्रेटेड कोकोनट, अगर आपके पास सूखा गोला हो तो उसके स्लाइस ले सकते हैं। किचन में हम जब काम कर रहे होते हैं तो कभी कोई चीज़ होती है, कभी कोई चीज़ नहीं होती है, तो हम उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ के उसे डालते हैं, उसे यूज़ करते हैं। थोड़ा सा हम डाल देते हैं पानी, जिससे ये थोड़ा सा पक जाए। अब ये मैंने गैस बंद कर दिया है और इसे ठंडा भी कर दिया है। इसे मैं डाल रही हूँ मिक्सी के जार में और इसकी एक चटनी बना लेते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया रेड कलर की चटनी बनकर तैयार हुई है। इसे हम निकाल लेते हैं। ये है डोसे का बैटर, ये है रेड कलर की चटनी। अब हमारे पास है टमाटर, हरी मिर्च, प्याज और उबला हुआ आलू। मैसूर डोसे में खास तरीके का एक आलू का मसाला बनाया जाता है और ये डोसे के ऊपर भी आप बना सकते हैं, पर अगर आपको डोसे के ऊपर नहीं बनाना आए, पहले मैंने आपको एक बार बताया था, तो हम एक अलग से पैन में मैं इसका मसाला बना रही हूँ। ये जो मसाला बिल्कुल पाव भाजी जैसा ही होता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसके साथ आप सांभर ना यूज़ करें तब भी चलेगा। तो इसे हम पहले बना लेते हैं। उसी पैन में मैं 1 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। यहाँ डाला मैंने कटा हुआ प्याज, कटे हुए टमाटर, हरी मिर्च और ये लिया मैंने उबला हुआ आलू। ये बहुत ही फटाफट भी बन जाती है सब्जी और टेस्टी भी बहुत बनती है। नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और ये जो चटनी बनाई थी ना, करीब 2 से 2.5 टेबल स्पून ये चटनी डाल दीजिए।
सारा स्वाद इस चटनी का ही है। अब पाव भाजी मैशर के साथ इसे आप इस तरीके से दबा दबा कर बिल्कुल पाव भाजी जैसे ये सब्जी बना लीजिए। यही तो फर्क होता है नॉर्मल मसाला डोसा और मैसूर डोसा में। स्ट्रीट फूड में आपने हमेशा देखा होगा तवे के डोसा डालने के बाद इस सब्जी को इसी तरीके से बनाया जाता है, पर वो कई बिगनर्स नहीं बना पाते, तो आप इस तरीके से अलग से भी बना सकते हैं। थोड़ा सा डाल देंगे हम पानी, जिससे उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट रहे। अब डालेंगे इसमें नींबू का रस। जैसे पाव भाजी अच्छी सी खट्टी लगती है ना नींबू के रस के साथ, ऐसे ये बिल्कुल सब्जी लगनी चाहिए। यूं समझिए इंस्टेंट पाव भाजी बन रही है। अब इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप चाहें तो ऊपर से भी प्याज बारीक कटा हुआ डाल सकते हैं। इस सब्जी को हम निकाल लेते हैं। ये गर्मा गर्म सब्जी किसी भी प्लेन डोसे के साथ भी खाएंगे, बहुत पसंद आएगी। अब लिया मैंने एक तवा। तवा काफ़ी पुराना है इसलिए मैं थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ इसके ऊपर। आप आयरन के तवे पर भी बना सकते हैं, उसे भी इसी तरीके से ऑयल लगाकर उसे सेट कर दीजिए। जब तवा गर्म हो जाता है तब उसका टेम्परेचर लो करने के लिए हमें पानी के छींटे देने होते हैं। एक चीज़ और नोट कीजिए, जब भी आप डोसा डालने जा रहे हैं तवे के ऊपर, तब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। उसका पानी डालकर टेम्परेचर भी कम कर दीजिए, गैस की फ्लेम भी स्लो कर दीजिए, जिससे डोसा वहीं पर ही चिपकता जाए। ये देखिए, एक से डेढ़ करछी आप ले लीजिए डोसे बैटर की और इस तरीके से रोटेट करते जाइए। ये देखिए बहुत ही आसानी से। अब आप फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर दीजिए। जब इसका कलर चेंज हो जाए तब थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए। अब आप इस डोसे का एंजॉय कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए ये डोसा आपका फेवरेट है कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब इसे आराम से पकने दीजिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए। 2 से 3 मिनट लगते हैं इस डोसे को पकने के लिए। यहाँ देखिए पकना शुरू हो गया है। जब ऐसा लगे कि पकना शुरू हो गया है तब हम लेंगे चटनी। करीब करीब 2 टेबलस्पून, 2 से 3 टेबलस्पून आप लगाइए, और डिपेंड करता है आप कितना स्पाइसी पसंद करते हैं उस हिसाब से आप चटनी लगाइए। मेरे कई व्यूअर्स का यही कहना था कि मैसूर डोसा बनाकर दिखाइए, क्योंकि मैसूर डोसा एक अलग ही क्रिस्पी होता है और रेड बहुत होता है, तो कैसे हो जाता है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको गन पाउडर बनाना भी सिखाया है। साउथ की सारी रेसिपीज़ बहुत अच्छी होती हैं, हेल्दी भी होती हैं और टेस्टी बहुत होती हैं। अब जब लगे आपको कि काफ़ी क्रिस्पी हो चुका है डोसा, तब आप उसे पलटने की कोशिश कीजिए। जैसे ही डोसा पक जाएगा वो अपने आप हटने लगेगा। ये देखिए, जो मैसूर डोसे को इस तरीके से लपेटा जाता है, ये देखिए एक साइड के ऊपर दूसरा कोना भी ओवरलैप कर दीजिए और तीसरा कोना भी ओवरलैप कर दीजिए। ये है मैसूर डोसा ऑथेंटिक। बिल्कुल इसी शेप में हमें मैसूर डोसा मिलता है, साथ में ये रेड कलर की पाव भाजी की तरह चटनी। और हाँ, अगर आप चाहें तो इस तरीके से गन पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आपको चटनी कभी नहीं है आपके पास, तो गन पाउडर हमेशा बना हुआ होता है, उसे भी इस तरीके से डाल सकते हैं। यह है दूसरा डोसा, इसे भी आप इसी तरीके से लपेट लीजिए। गन पाउडर की रेसिपी मैंने थोड़े दिन पहले ही इडली के साथ बताई थी, जो इडली टमाटर वाली बनाई थी, उसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगी, आप वहां देख सकते हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना रेड कलर का डोसा। तो मैंने आपको चटनी के साथ भी बता दिया, गन पाउडर के साथ भी बता दिया, और ये सब्जी भी बता दी। तो इस तरीके से ये डोसा बनकर तैयार हो गया है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको ये ऑथेंटिक वाली रेसिपी से ही ये डोसा बना सकते हैं, आप नॉर्मल जो हमने थोड़े दिन पहले भी आपको इंस्टेंट डोसा बताया था, उससे भी आप इस तरीके से मैसूर डोसा बना सकते हैं। उसके लिए आपको बस रेड कलर की चटनी चाहिए होगी। तो इस तरीके से वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी न कीजिए।